चंद्रयान 2 एक और बड़ी सफलता हासिल कर चुका है और इस सफलता को अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी है। चंद्रयान 2 की गति में 90% की कमी इसलिए की गई है ताकि वो चांद की गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर चांद से न टकरा जाए। मतलब उसकी गति इतनी अच्छी थी, वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से सफलता पाई है उसके हिसाब से अब उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं थी, अब उसकी स्पीड घटा दी गई है। चांद की कक्षा में चंद्रयान 2 का प्रवेश कराना इसरो वैज्ञानिकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था, इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसे बेहद कुशलता से पूरा किया है। 7 सितंबर को चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को चांद की पहली कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। इसरो वैज्ञानिकों ने सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच चंद्रयान 2 को चांद की कक्षा में प्रवेश कराया। अब चंद्रयान 2 118 किलोमीटर की एपोजी चांद से कम दूरी और 1878 किलोमीटर की पेरिजी चांद से ज्यादा दूरी वाली अंडाकार कक्षा में अगले 24 घंटे तक चक्कर लगाएगा। इस दौरान चंद्रयान की गति को 10.98 की प्रति सेकंड से घटाकर 1.98 किलोमीटर प्रति सेकंड किया गया है। चंद्रयान 2 की गति में 90% की कमी इसलिए की गई ताकि वो चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में आकर चांद से न टकरा जाए। ये बेहद ही मुश्किल था, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों के पेशेंस ने, धैर्य ने यह कमाल कर दिखाया। इससे पहले 14 अगस्त को चंद्रयान 2 को ट्रांस लूनर ऑर्बिट में डाला गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि 7 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 2 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग को लाइव देखेंगे। चांद के चारों तरफ 4 बार कक्षाएं बदलने के बाद चंद्रयान 2 से विक्रम लैंड बाहर निकल जाएगा। विक्रम लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर भी ऑर्बिट से अलग होकर चांद की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के चारों तरफ 2 चक्कर लगाने के बाद 7 सितंबर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने बताया कि चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में जाते समय कड़ी परीक्षा से गुजरेगा। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति 65,000 किलोमीटर तक रहता है, ऐसे में चंद्रयान 2 की गति को कम करना पड़ेगा, नहीं तो चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में आकर वो उससे टकरा भी सकता है। गति कम करने के लिए चंद्रयान 2 के ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम को थोड़ी देर के लिए चालू किया जाएगा। इस दौरान एक छोटी सी चूक भी यान को अनियंत्रित कर सकती है। यह सिर्फ चंद्रयान 2 के लिए ही नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव 65,000 किलोमीटर तक है, यानी चांद से इस दूरी तक आने वाले किसी भी वस्तु को चांद अपनी ओर खींच सकता है। मंगलवार को यानी 20 अगस्त को चंद्रयान 2 चांद से 65,000 किलोमीटर की दूरी के करीब 150 किलोमीटर दूर होगा। तब इसरो चंद्रयान 2 की गति को कम करना शुरू कर चुके थे, इससे वो चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कम संघर्ष करते हुए चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके लिए बहुत ही सारे धैर्य की जरूरत पड़ती है। चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर उतरकर प्रयोग करने की बात कही गई है, लेकिन ऑर्बिट साल भर चांद का चक्कर लगाते हुए रिसर्च करेंगे। इसको वैज्ञानिकों के अनुसार चांद की कक्षा में सारे बदलाव करने के ऑर्बिट में इसका ईंधन बच जाएगा कि वो 2 साल तक काम कर सकता है, लेकिन ये सब 7 सितंबर तय करेगा। तो फिलहाल कीजिए 7 सितंबर का इंतजार और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।